हरियाणा विधानसभा चुनाव में महम की सीट सबसे हॉट सीटों में शामिल है। इस सीट को जीतने के लिए हुड्डा फैमिली ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इस सीट को जीतने के लिए इस बार आनंद सिंह दांगी के बेटे बलराम दांगी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। 2019 के चुनाव में आनंद सिंह दांगी बलराज कुंडी से हार गए थे और इस बार बलराम दांगी अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए कमर कसे हुए हैं। इस बार के हालात बता रहे हैं कि बलराज कुंडू के लिए लगातार दूसरी बार विधायक बनना मुमकिन नहीं है। उनके रास्ते में पहाड़ जैसी चुनौती है। आखिर बलराज कुंडू को क्या दिक्कत है और बलराज कुंडू क्यों फंसे हुए हैं, जानने के लिए ये इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। बलराम दांगी को इस बार हर गांव में जबरदस्त जोरदार राम राम मिल रही है, आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है और साथ में भूपिंदर हुड्डा फैमिली की जोरदार ताकत मिल रही है। ये सारी चीज़ें मिलकर महम की सीट पर बलराम दांगी को पहली बार विधायक बनाने के लिए काफ़ी नज़र आती हैं। लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी महम में वही हालात हैं, वही करंट है, वही जज्बा है और वही परिणाम आने के पूरे आसार हैं। यानी कांग्रेस के लिए इस बार महम की सीट सेफ नज़र आती है और इसकी वजह यह है कि बलराम दांगी ने पिछले 5 साल में लगातार मेहनत की है, लगातार लोगों के बीच में रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर उन्होंने अपने हलके को मजबूती देने का काम किया है। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक लीड दिलवाकर बलराम दांगी ने यह बता दिया था कि उनकी जुगलबंदी दीपेंद्र हुड्डा के लिए जबरदस्त है। बलराम दांगी अपने पहले ही चुनाव में पूरी गहनता के साथ जुटे हुए हैं, पूरी मेहनत के साथ और पूरी रणनीति के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। भूपिंदर हुड्डा और आशा हुड्डा के भरपूर आशीर्वाद और दीपेंद्र हुड्डा के फुल सपोर्ट के बलबूते पर ही बलराम दांगी का चुनाव आसान नजर आता है। साफ सी बात है कि बलराज कुंडू के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिन इलाकों में वे पिछली बार जीते थे वहाँ पर इस बार बलराम दांगी का पलड़ा भारी है। जाहिर सी बात है एक कोने में यानी कि निंदाणा बेल्ट के अंदर विकास नेहरा ने बलराज कुंडू की नींद उड़ा रखी है, उनके समीकरणों को बिगाड़ रखा है। वहाँ पर बलराम दांगी विरोधी वोट विकास नेहरा को जा रहे हैं और वहाँ पर बलराज कुंडू नंबर 3 पर है। यानी उस बेल्ट में बलराम दांगी बड़ी लीड लेकर निकलेंगे। पिछली बार इस इलाके में बलराज कुंडू को बड़ी लीड मिली थी। जहाँ तक बात आती है मोखरा इलाके की, मोखरा में भी बाली पहलवान ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर बलराम दांगी के लिए पूरी मदद का रास्ता साफ कर दिया है। यहाँ पर भी दांगी परिवार के विरोधी वोट साफ तौर पर बट रहे हैं और उसका फायदा बलराम दांगी को हो रहा है। यानी वोटों का बंटवारा जहाँ बलराम दांगी को पूरी मदद कर रहा है तो वहीं पर बलराज कुंडू के लिए घाटे का सबब बन गया है। इस बार का चुनाव साफ तौर पर अलग है क्योंकि राधा अहलावत भी वो इस बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं। शमशेर खरकड़ा की बजाय राधा अहलावत ने चुनावी मोर्चा संभाला हुआ है और इस मोर्चे में वो जितने भी वोट ले रही हैं वो बीजेपी से अलग हैं और अपने व्यक्तिगत वोटों में वो ऐसे वोट भी ले रही हैं जो साफ तौर पर दांगी परिवार के विरोधी हैं। यानी इस बार की लड़ाई में दांगी परिवार को वो सारे फायदे हो रहे हैं जो 2019 में उनके लिए नुकसान थे। यानी इस बार की लड़ाई में बलराम दांगी साफ तौर पर लोगों के भरपूर आशीर्वाद के बलबूते पर और हुड्डा परिवार के भरपूर सपोर्ट के बलबूते पर चुनाव जीते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी माहौल बता रहा है कि बलराज कुंडू को वो छूट नहीं मिल रही है, बलराज कुंडू को वो आशीर्वाद नहीं मिल रहा है जो 2019 के चुनाव में उन्हें मिला था। 2019 के चुनाव में जहाँ शमशेर खरकड़ा को बीजेपी के सपोर्ट के वोट मिले थे वहीं पर इस बार बलराज कुंडू वाली स्पोर्ट के गांव में उनके वोट घट रहे हैं। यानी बलराज कुंडू के वोट पिछली बार के मुकाबले में हर गांव में कम हो रहे हैं। जिन बेल्ट में यानी निंदाणा बेल्ट में और मोखरा गांव में उन्हें जो खुले वोट मिले थे, जो लीड मिली थी वो घट गई है और यही वजह है कि बलराज कुंडू को इस बार जीत का तोहफा नहीं मिलेगा, उनके सामने हार की आशंका नज़र आ रही है। यानी महम इस बार बलराज कुंडू का वहम निकालने का काम करेगा और बलराम दांगी को भरपूर आशीर्वाद देने का काम करेगा। महम का मिजाज बता रहा है कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी यहाँ कांग्रेस का डंका बजेगा और बलराम दांगी पहली बार महम के विधायक बनेंगे। महम में कौन चुनाव जीतेगा ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। महम में बलराम दांगी कितने वोटों से चुनाव जीतेंगे ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। महम में बलराज कुंडू क्यों हार रहे हैं और कितने वोट लेंगे ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।